गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हेलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज मतलब ये होती है गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ नहीं मिलता है, ये अपने आप ही किया है लोगों की सेवा के लिए या फिर लोगों के लिए बनी होती है। जो वॉलंटरी अपने आप आगे आती है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी एजेंसीज हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ये अभी नाम आपको बता रही हूँ, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, देखो, फिर देन ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, प्रोफेशनल बॉडीज और इंटरनेशनल एजेंसीज। ये बस नाम है, मैं इसको हम अभी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। ये थी जो ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1920 में, ठीक है, इंडिया में 1920 में ये एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। और इसके 400 ब्रांचेस हैं इंडिया में, ठीक है, मतलब हर जगह इंडिया में, इसकी हर स्टेट में 400, मतलब पूरे इंडिया में कवर ये 400 ब्रांचेस हैं। और इसका मेन प्रोग्राम का क्या मतलब है, इसका ये है कि इसका मेन चीज क्या है, हेल्थ के रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज को कम करना, और जो लोग किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये काम है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, ठीक है। और इसके क्या क्या एक्टिविटीज है, रिलीफ वर्क, जैसे कहीं पर कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं पर जैसे इमरजेंसी मतलब डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, जैसे भी आपने सुना था कि बादल फटा है हिमाचल में, ठीक है, उत्तराखंड में, सॉरी। तो वहां पर ये सोसाइटीज अपने यहाँ पहुंच जाते हैं, इनको इनविटेशन नहीं दिया था कि वहां पर ये चीज होगी, आप आइए प्लीज, ये अपने आप उधर पहुंचती हैं, वहां पर जाके अपनी एक्टिविटीज है वो स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इसका काम क्या है, मिल्क एंड मेडिकल सप्लाईज, जहां पर दूध की कमी है, ठीक है, वहां पर ये दूध प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज मतलब मेडिसिन वगैरह या फिर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना, जैसे व्हीकल वगैरह का जो होता है, एम्बुलेंस वगैरह होती हैं, ठीक है, फर्स्ट एड जो है वो ये प्रोवाइड करती हैं। आर्म्ड फोर्सेस, इनके अंदर आर्म्ड फोर्सेस भी होती हैं, जैसे यहाँ पर कहीं को डिजास्टर वगैरह हुआ है, जैसे हमने बताया आपको कि जैसे उत्तराखंड में अभी हुआ था, बादल फटा था, या कोई भी ऐसी घटना जो इंडिया में हो जाती है, तो वहां पर ये खुद पहुंचती हैं और वहां पर जाकर के हैं वहां पर हेल्प करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, ये इनका मेन और का काम होता है कि माँ जच्चा बच्चे जैसे हम बोलते हैं, माँ और बच्चे की क्या है, प्रॉपर देखभाल करवाना, लोगों को एजुकेट करवाना कि क्यों एक बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त क्या नेसेसरी होता है, क्या उस कैसे उसकी केयर की जाती है, और मदर को ये गाइड करना कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ खानी है, हॉस्पिटल में कितनी बार जाना है, एजुकेशन देना उनको, डिलीवरी करने में उनकी हेल्प करवाना, जो लोग पुअर पीपल हैं, जो लोग फैसिलिटीज जो आसानी से नहीं ले पाते हैं, वहां पर जाकर ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग, इनका काम ये भी होता है, जो फैमिली प्लानिंग हो रही है, कौन कौन से फैमिली प्लानिंग मेथड्स है, ठीक है, उनके बारे में बताना उनको, ठीक है। प्लानिंग मेथड्स में ये बताते हैं कि कौन कौन से मेथड्स आए हैं, जैसे मेल्स के लिए क्या है, कॉन्डम्स वगैरह है, वसेक्टमी है परमानेंट मेथड, और जो है फीमेल्स के लिए क्या है, मालाडी वगैरह है, ठीक है, और परमानेंट मेथड ये है कि वो टूबेक्टमी, ठीक है, जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको निकाल देते हैं, वो मेथड्स के बारे में बताते हैं उनको, फैसिलिटीज बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये फैसिलिटीज है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वो जा सकते हैं, ये सब कुछ वो वहाँ पर जाके उनको गाइड करते हैं। नेक्स्ट है ये ब्लड बैंक, ठीक है, जो ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ब्लड की कमी है, ठीक है, वहां पर जाकर क्या है, ये ब्लड बैंक का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा, जहाँ पर यस ब्लड की नीड है, जैसे कि किसी ने बोला कि यस हमें मैम इस ब्लड ग्रुप की नीड है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये न्यूज में कोई बोल देता है, तो जैसे उनमें अनाउंसमेंट हो गई, कहीं पर भी अनाउंसमेंट हो गई, कहीं पर भी इनको लगा कि वहां पर ये नीड है ब्लड
ब्लड की वहां पर ये पहुंचाते हैं, और कहीं पर कहीं की जगह पे तो ये ब्लड बैंक भी इनके अपने बने हुए हैं, जहां पर क्या है ब्लड की जिसको नीड होती है वहां पहुंच जाते हैं। फर्स्ट एड मैंने बता दिया, कहीं पर डिजास्टर होता है तो वहां पर, डिजास्टर मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जो हमने सोची नहीं होती और वो हो जाती है एनवायरनमेंट में। जैसे हमने ये तो नहीं सोचा कि वहां पर भूचाल आएगा, पर आ गया, अर्थक्वेक आ गया पर आ गया। तो जहां पर फर्स्ट एड होती है वहां पर जाकर ये लोग अपना फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद कुश निवारण संघ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका हिंद कुश निवारण संघ, ये सेकंड है आपकी। ये भी 1950 में फाउंड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका जो हिंद, इसका जो इसने फिर क्या किया इंडियन काउंसिल के साथ, ये पहले ये थी ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी, जो डिसॉल्व हो गई 1950 में। फिर ये क्या है इंडियन काउंसिल के नाम से के साथ इसका अटैचमेंट हो गया, ठीक है, हिंद कुश निवारण संघ का। और इनका काम क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड हेल्थ, नेक्स्ट है आपका हिंद कुश निवारण संघ हो गया, उसके बाद में आपका है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड हेल्थ, ये थर्ड है आपकी जो है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। ये 1952 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, और ये किसके साथ संबंध रखती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के साथ इनका कॉन्टेक्ट है। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड हेल्थ के, इनका इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड हेल्थ के साथ कॉन्टेक्ट है। और ये क्या सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड करती है, ये अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज और लॉ एंड अदर मीन्स है, जो मेनली क्या होती है कि जो चाइल्ड की है फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल और उसको स्पिरिचुअल सोशल हेल्दी बनाने के लिए क्या है, ये मेन इनका फोकस होता है चाइल्ड के ऊपर, कि चाइल्ड जो है बच्चे जो हैं उनको कैसे, चाहे वो पुअर फैमिली के हो चाहे कहीं के भी हो, उनको कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करें फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटल हेल्दी के लिए, और स्पिरिचुअल और सोशल हेल्दी बनाने के लिए कैसे उसको, अगर किसी एक पर्सन को, चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कहीं पर क्वाश्चकर मरसमस है, आपने ये न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, क्वाश्चकर मरसमस एक डिजीज होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, अगर वहां पर ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं बच्चों के, तो वहां पर जाते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड हेल्थ, और वहां पर ये जाके देखते हैं कि ऐसी चीज क्यों हो रही है, फिर वहां पर क्या है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से क्या है वहां पर हेल्थ क्या बच्चों की बनी रहे। और कौन कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल वेरियस लेप्रोसी होम्स, इन्होंने क्या लेप्रोसी होम्स भी बनाए हैं, क्लिनिकल्स भी बनाए हैं, और एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और ये जगह जगह पोस्टर्स लगाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को, ताकि क्या वो जाकर क्या है वहां पर जाके जो बच्चों को वो गाइड कर सके, और अच्छे अच्छे जो लेप्रोसी का भी काम ये साथ में कर सके। ठीक है, और ये लेप्रोसी के जो वर्कर्स होते हैं उनको लेप्रोसी के अगेंस्ट क्या ये करवाते हैं ट्रेनिंग। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लेप्रोसी का मतलब पता क्या होता है, लेप्रोसी का मतलब होता है कोड, जिससे आपने सुना होगा क्या, वो होती है लेप्रोसी। नेक्स्ट है यस मैम। आपका ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो थी 1939 की थी, अब इसका नाम इंडिकेट करता है ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी के लिए। ठीक है, इसके ब्रांचेस हर स्टेट में है, और क्या है इसका मेन एक्टिविटी क्या है कि ये लोग कैंप लगाते हैं टीबी के अगेन। ठीक है, टीबी के बारे में बताते हैं कि टीबी क्या है, कैसे फैलती है, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको एजुकेट करते हैं, ताकि वो जाके लोगों को एजुकेशन कर सके, गांव गांव से गांव कैसे उनको बता सके कि टीबी कैसे फैलती है, कैसे उससे प्रिकॉशन ले सकते हैं, टीबी के दौरान आप कैसे प्रिकॉशन ले सकते हो, कहाँ किस कौन से हॉस्पिटल में जा सकते हो, कितने महीने का ऐसा कोर्स होता है, वो सब कुछ क्या ये एजुकेट करते हैं। और इंस्टीट्यूशन अंडर टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो साथ में मिलकर काम करते हैं ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन, और लेडी लाइटिंगो सैनिटेशन कसौली, ठीक है, ये एसोसिएशन है ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल एट मेहरौली, ये तीनों हैं जो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका भारत सेवक समाज। शालिनी आपका फोन बज रहा है बेटा, भारत सेवक समाज ये नेक्स्ट है।
ये जो थी ये नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके साथ पॉलिटिकल का कोई काम नहीं, हाथ नहीं है इनके साथ, और कोई ऑफिशियल नहीं है, वॉलंटरी है, ठीक है। 1952 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम क्या है कि हेल्थ को प्रमोट करना, कोई भी हेल्थ की कोई भी एक्टिविटी होती है वहां पर जाके उसको प्रमोट करते हैं, तभी इसका नाम रखा गया भारत सेवक समाज। ये सेवा करती है, ये समझते हैं कि हम लोग बस सेवा कर रहे हैं भारत के लिए, ठीक है। और ये विलेजेस में जाते हैं, वहां पर जाके जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं प्रमोट करते हैं उस एक्टिविटी को, फैसिलिटी जो वहां पर नहीं होती है वो फैसिलिटीज क्या है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, ये जो है ये ऑटोनॉमस, ये अपने आप बनाई हुई एक एसोसिएशन है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी थी, इन्होंने खुद को अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। और इसने 1953 में ये लोग अपना सेटअप किया है, ठीक है। इनका सर फंक्शन क्या है, ये सर्वे करते हैं हर एक विलेज में जाके, हर स्टेट में जाके सर्वे करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ कम हो रही है वो हमने क्या गवर्नमेंट तक पहुँचानी है, ठीक है। जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर डिजास्टर्स हो रहे हैं, वो चीजें क्या इन्फॉर्मेशन सर्वे करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जाके गवर्नमेंट को ये पहुंचाती है, ठीक। और इसका मेन एक्टिविटीज क्या होती है, टीचिंग क्राफ्ट सोशल एजुकेशन, ठीक है। इनका काम यही होता है मोनली की एजुकेट करना, मेटर्निटी एंड वोमेन जो है, ठीक है, ये सब कुछ के ये एजुकेट करते हैं। और क्या इंडस्ट्री कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में भी ये लोग थोड़ा सा, जैसे अर्बन इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर थोड़ा मेडिकल सप्लीमेंट्स क्या है वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है द कस्तूरबा मेमोरियल फोन। ये कस्तूरबा नाम आपने सुना होगा, कस्तूरबा कौन थे, सुना किसी ने, कौन थी कस्तूरबा, कोई आइडिया, द कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ठीक है। ये जो था 19, ये लिखा भी हुआ है आपको यहाँ पर, इट वॉज कमर्शली ऑफ कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी के हाँ, वाइफ उनकी थी, जो उनके डेथ के बाद क्या है 1944 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में 1944 में ही ये कस्तूरबा मेमोरियल मैम फंड खोला महात्मा गया है। गांधी की वाइफ 1944 में क्या है इनको एस्टेब्लिश किया गया ये कस्तूरबा मेमोरियल फंड, ये वॉलंटरी, ये भी एजेंसीज है। इसका मेन काम ये था कि जो वोमेन, सिर्फ उनका मेन फोकस वोमेन के ऊपर था, कि वोमेन जो होती हैं औरतों के लिए काम था कि उनको विलेजेस में उनको प्रमोट करना, और ठीक है, और उनकी हेल्थ के बारे में लो, उनकी हेल्थ के बारे में बताना उनको, और कहाँ कहाँ उनको जैसे डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर क्या फाइनेंशियली भी उनको ये लोग क्या फंड प्रोवाइड करते थे, ताकि जो उनकी क्षमता थी वो बढ़ सके। सो कोई वुमन थी विलेज में कुछ करना चाहती थी तो उनको ये फंड प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो क्या है कुछ कर सके अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है आपका फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 1949 में इसको एस्टेब्लिश हुआ था, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनका मेन काम क्या है, फैमिली प्लानिंग करना। फैमिली प्लानिंग मतलब कितने बच्चे होने चाहिए, कैसे आप ज्यादा बच्चे रोक सकते हैं, ठीक है, होने से, वो फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। इसका ट्रेन, इसने डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को, हेल्थ विजिटर और सोशल वर्कर्स को एजुकेट किया इसके रिगार्डिंग, कि आप जाके लोगों को कैसे एजुकेट करना है, कि वो वहाँ फैमिली प्लानिंग मेथड उनको कैसे समझाना है। अब जैसे कि गांव, कुछ लोग ऐसे होते हैं बैकवर्ड गांव, आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं, पर्दा सिस्टम है कई जगह पे, ठीक है, तो वहां पर आप खुल के नहीं बोल सकते कि ये फैमिली मेथड है आप इसको अपनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, घर घर जाके, ठीक है, हम कैंप नहीं लगा सकते, हम घर घर जाके उनको एजुकेट करते हैं। लेडीज जाती हैं घर में जाके, आंगनवाड़ी जैसे वगैरह जाते हैं, तो वो घर में जाके एजुकेट करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, कि आप ऐसा ऐसे कर सकते हो, ये है फैमिली मेथड, बातों बातों में, तो वो क्या उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये जो ये वो भी वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी 1926 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो ब्रांच है, ठीक है, उसका मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस आर रनिंग, इसके काफी ब्रांचेस रनिंग हो रहे हैं। ये मटर्नल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक्स इसके काफी खुले हैं, मेडिकल सेंटर्स, क्योंकि वुमेन्स के लिए है तो मेटरनल चाइल्ड वेलफेयर। हमारे इंडिया में हमेशा ये फोकस रहा है मेटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, क्योंकि क्यों फोकस रहा है इस चीज में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि जब जच्चा बच्चा जो थे पुराने जमाने में, उनको अच्छी तरह केयर नहीं की जाती थी, एक कमरे में उनको बंद कर देते थे, और उसकी वजह से क्या होता था, बच्चे माँ को क्या है खाना प्रॉपर
जगह तो ये मानते हैं कि बच्चों को, माँ को सिर्फ पानी दो या फिर गुनगुना पानी दो या फिर उसको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखो, लेकिन साइंस ये मानती है कि बैलेंस डाइट इज वेरी नेसेसरी एट दैट टाइम। ठीक है, तो उस टाइम में ये देखा कि डेथ रेट जो थी इंडिया में चाइल्ड और मदर के बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इंडिया का फोकस इस पे किया, माय मदर एंड चाइल्ड पे। तो ये उसी के रिलेटेड इन्होंने क्लिनिक्स वगैरह बनाए, और इनका क्या क्या, क्या था, अडल्ट की एजुकेशन करवानी। ठीक है, अभी भी आप जानते हो एजुकेशन की कितनी प्रॉब्लम है इंडिया में, और मिल्क सेंटर्स प्रोवाइड करने की हर जगह के क्या है, दूध पहुंच सके, और फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स प्रोवाइड करने का इनका फोकस है। द ऑल इंडियन ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी। इन्होंने, इनका काम क्या है कि हर जगह जाकर ये लोग क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं। ठीक है, कौन सा कैंप लगाते हैं, आई, जैसे ये नाम आपको पता लग रहा होगा, ब्लाइंड, अंधों के लिए। ठीक है, तो ये आई कैंप लगाते हैं वहां पर, जो लोग आइज की प्रॉब्लम जैसे होती है वैसे वैसे क्या उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग, ये इनका फोकस ये है कि किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ब्लाइंड ना हो। ठीक है, और मोस्टली आईज का ये कैंपस वगैरह लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल बॉडीज। अब ये नाम है प्रोफेशनल बॉडीज के कौन कौन सी है, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडियन लाइसेंस्ड एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन, TNI ऑफ इंडिया, ये आपने सुना होगा, आर वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेशलिटीज एंड प्रोसेस ऑफ, ये क्वालिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, जो इनका मन है तो ये क्या करती हैं, जितनी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है इनके साथ मिलके, जब इनको लगता है कि हाँ हम इनके साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं, तो क्या है, ये मिलके उनके साथ क्या है, काम करती है। ठीक है जी, मेन के फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि यस जर्नल्स, मैम, पब्लिश हेल्थ जर्नल्स, आपने देखा होगा, आपने लाइब्रेरी में आप लोग गए होंगे तो वहां पर TNA के पब्लिशर्स बहुत ज्यादा आते हैं, जर्नल्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, यानी ये वो मोस्टली ये बताते हैं कि कौन कौन सी रिसर्च हुई है, क्या उनके क्या फायदा हुए हैं, क्या ड्रॉबैक्स हुए हैं। ठीक है, ये सब कुछ वगैरह ये लोग बताते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल एजेंसीज के नाम ये हैं सब कुछ, रॉकफेलर फाउंडेशन, कभी 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 ये एजेंसीज भी क्या करती है, इंडिया की एजेंसीज के साथ, जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी होती है इनके साथ मिलके ये लोग काम करते हैं, जब वॉलंटरी आती है। मैम हाँ जी बेटा, तो ये जो बाहर की एजेंसीज होती हैं ये भी क्या है, इंटरनल एजेंसीज होती है, ये भी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के साथ मिलके काम करती है। तो ये थी आपकी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज। काम पर नहीं आ रही थी मैं, वो टॉपिक मैं रिपीट कर देती हूँ, बताओ कौन सी टॉपिक पे आ रही, नहीं आ रही थी, ये समझ में आ साइट गया। ऑफ सीएस हाँ जी बेटा, मैम, सारे टॉपिक्स ही ऐसे ही गए मैम. बहुत ही कनेक्टिविटी इश्यू हो रहा है मैम आज. कनेक्टिविटी इश्यू हो रहा है, नो मैम, आ रहा है मैम, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी है मैम, आ रहा है मैम. समझ में आ रहा है, आप PPT सेंड कर दीजिएगा आप. ये तो वही बात हो गई है कांचा कि मैम बस बहुत हो गया, चलो ठीक है मैं इसकी PPT सेंड कर दूंगी, आप लोग भी थक जाते हो मॉर्निंग से इवनिंग तक। हाँ यस क्या बोल रहे, कौन बोल रहे हैं, पता यस मैम युवराज, यस थक जाते हो, मैम, थक तो जाते हैं मैम, सही बात है, हम थक तो जाते हैं. मुझे पता है आप लोग क्लास में तो पढ़ते नहीं हो, PPT में क्या पढ़ोगे। ठीक है, ये चीज तो हम भी समझते हैं, पर ये है कि टाइम ऐसा चल रहा है कि हम लोगों को थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है बेटा, ये पर एफर्ट्स आपको भी लेने पड़ेंगे। हाँ मैम जी कोई नहीं मैम, ठीक ठीक है, एफर्ट्स लो बेटा, कुछ नहीं पता, लास्ट ईयर भी ऐसे ही गया था और इस साल भी पता नहीं कुछ क्या होने वाला है आगे, साथ के साथ बनाते जाओ नोट्स अपने। ठीक मैम है, नोट्स अभी यस नहीं मैम, बना यस रहा मैम, हूँ. और हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो कॉल करके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट्सएप पे जैसे भी आता है, पर अपनी लर्निंग मत छोड़ो बेटा, कभी कोई टीचर मना नहीं करेगा आपको कुछ भी समझाने से। ठीक यस मैम, है, ठीक है मैम. ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम. आकांक्षा हेलो बेटा, मुझे वो सेंड करो इसकी अटेंडेंस और टोटल लिख के सेंड करना बच्चे। ओके.
टोटल जैसे उस दिन लिख के भेजा था वैसे लिख के भेजना कितने स्टूडेंट्स। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे।